अपनी डिबेट्स में विपक्ष पर अक्सर चीखने चिल्लाने वाले और सरकार की चाटुकारिता करने वाले अर्णब गोस्वामी फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला करने के लिए गोस्वामी ने अपने लाइव शो प्राइम टाइम में गांधी को पालघर की घटना पर अपनी चुप्पी के लिए निंदा की और कहा, मैं पूछता हूँ और राष्ट्र पूछता है, अगर आज मौलवी मारे हो गए होते तो क्या वह शांत होती? क्या इटली की सोनिया गांधी चुप रहेंगी? गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर बहुत निशाने साधे, आइए आपको भी दिखाते हैं। मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज, कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइनो बचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया इटली वाली, और इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती? आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है, बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सरकार नहीं रहती। ये जो हाल चल, जहाँ पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, देखिए जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, शर्मानी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है यही हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया, बिल्कुल चुप रहने वाले नहीं है भारत, बता दीजिए क्या आज हिंदू समाज चुप रहेगी? राहुल गांधी ने इसके जवाब पर ट्वीट करके कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डीजीपी महाराष्ट्र अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी पर झूठे आरोप लगाते हुए सीधे टीवी पर बैठकर दंगे भड़काए हैं, इसे तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके कहा कि अर्णब गोस्वामी द्वारा सोनिया गांधी पर हमला बेहद निंदनीय है, वह पागल हो गया है और सभी सीमाओं को पार कर गया है, उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि अर्णब गोस्वामी पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.